Hi guys, welcome back to my channel. And today, I know ये vlog में बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ. So actually, there were lot of things like I had a surgery. तो मेरी surgery हुई और 20 hours of fasting के बाद मैं उठी हूँ. खाऊंगी कैसे उधर से किधर. अच्छा, सी इतने सारे पेन किलर्स के बाद ना मैं फिर से शूट पे चली गई. आई वुड नॉट सजेस्ट यू डू द सेम अनलेस यू ऑल्सो हैव अ हार्ट ऑफ अ वॉरियर लाइक मी. और उसके बाद तो मैं शूट करके एक दिन के बाद जब वापस आई तो मैं रोहित के सेट पे भी गई. ट्रस्ट में गई एंड आई वाज हैप्पी एंड ऑन वेरी वेरी हैवी ड्यूटी ऑफ पेन किलर्स. So I could do what I did. Zoned out and hungry. Peace, bliss, and happiness. And still I was shooting for Vanshaj. Just then discharge was the very next day. I went and I was shooting for Vanshaj the same day of discharge. और जो सीन आपने मेरे डीजे के सीन्स देखे और इतना अप्रिशिएट किया वो उसी दिन जाकर मैंने शूट किए सुबह तक. एंड actually I had uterus surgery. There was some health issue I was facing, you know, leak PCOD I was facing since probably 9 months se upar. So I was really suffering with lot of things and achanak se phir ek din matlab I reached Gujarat to Mumbai and I sat on the bed and I don't know the uterus pipe, there was some tear or there was a burst or whatever. So the stomach and the uterus pipe got entangled or the skin from the stomach and the uterus lining started falling out. So there was blood all over the house, all over the floor, skin pieces, and it was very extremely shocking and disgusting. And I was in literally in trauma और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ. सो माई थैंकफुली सब लोग थे घर पे तो फटाफट फिर वी कॉल्ड नानावटी एंड अंबानी एंड अदर हॉस्पिटल्स एंड फटाफट वी ट्राई टू फाइंड आउट. बट अनफॉर्चुनेटली कोई बेड ही नहीं था फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन. देर वॉज नो आई न्यू कि इट वॉज इट्स गोना बी अ सर्जरी बिकॉज वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लड गिरते ही जा रहा था कि मुझे समझ आ गया था कि सर्जरी ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है. तो मैं उस टाइम पर दिल पर नहीं ले सकती थी क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू वन मोर सर्जरी विच नो. तो मुझे लगा आई अंडरस्टूड कि क्या मेरी सिचुएशन होगी. तो फटाफट वी कॉल्ड हॉस्पिटल्स एंड आई टोल्ड माई मॉम दैट यू नो कॉल. और फिर हमने अलग अलग हॉस्पिटल में फ़ोन किया, कहीं भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे, कहीं भी इमरजेंसी सर्जरी के लिए सर्जन अवेलेबल नहीं थे. ऑब्वियसली 4:30 बजे रात के थे बट अवेलेबिलिटी नहीं थी. सो देन मैं आई स्टेड हंग्री उसी टाइम से, पानी और खाना बंद कर दिया बिल्कुल क्योंकि मुझे पता था सर्जरी में यू नीड टू बी 48 आवर्स हंग्री. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आई गॉट एडमिटेड एंड ऑपरेशन हुआ. एंड ऑपरेशन होने के बाद द डॉक्टर सेड कि 15 डेज का बेड रेस्ट है. सो आई टोल्ड द डॉक्टर कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट 15 to 20 days, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो रेस्ट एंड जस्ट बी विद नर्सेज एंड लुक एट द फैन एंड हैव मेडिसिन एंड जस्ट स्लीप, आई वॉन्ट टू वर्क. सो शी सेड कि इट्स अ सर्जरी, यू नीड सम रेस्ट. तो मैंने बोला ओके आई विल मैनेज अकॉर्डिंगली, मैं वैसे ही करूँगी कि यू नो शूट भी कर रही हूँ एंड आई एम यू नो रेस्टिंग ऑल्सो बीच बीच में एंड ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करूँगी, मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी एंड ऑल ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज अ सर्जरी तो उसमें फिर एग्जर्ट नहीं कर सकते. तो फिर उस हिसाब से हमने शूट भी किया, मतलब जो मेरे जो लोग भी मेरे को हेल्प करते थे सब ने गोद वोद में उठा के सीन्स करवाए. तो मतलब ऐसे बेबी जैसा फील हुआ तो बहुत मज़ा भी आया एंड बहुत ही रिलैक्सिंग भी था क्योंकि प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था. उनको पता था कि क्या सर्जरी हुई है, जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनको पता था क्या सर्जरी हुई है क्या नहीं हुआ है. तो उस हिसाब से फिर मुझे बहुत रेस्ट भी मिला और उस हिसाब से फिर काफ़ी 11-12 सीन्स थे जिसमें से मैंने बोला कि अगर यू वॉन्ट टू रिमूव सो यू कैन रिमूव मी बिकॉज स्टेट में भी उतनी नहीं थी. बट स्टिल मैंने जितना इंपॉर्टेंट सीन्स जो थे वो सारे मैंने किए बैक टू बैक. शायद मैंने 4 दिन शूट किया एंड 4 दिन के बाद मतलब कुछ कुछ घंटे 6-7 आवर्स ऐसे करके शूट किया. उसके बाद नेक्स्ट डे 4 दिन बाद मुझे अभी ब्रेक मतलब उतने सीन्स में से स्लोली निकाल के मेल करके जो भी है वो सब करके
में फिर मुझे उतने सीन्स में से निकाला गया एंड अभी थोड़े टाइम तक आप मेरे को नहीं देखोगे शो में बिकॉज मैं थोड़ा रिकवरी फेज पे चल रहा है तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले रही हूँ और फिल्म भी रिलीज हो रही है 18 को तो आप वो ज़रूर देखिएगा NSD नॉन स्टॉप धमाल। तो उसके प्रमोशंस के साथ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं मुझे मतलब एक्चुअली वो रेस्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बॉम्बे में मैं काम ही कर रही हूँ बट ठीक है आई थिंक फिल्म रिलीज़ होने के बाद थोड़ा रेस्ट होगा और फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी गुजरात तो फिर वहाँ पे शूट स्टार्ट हो जाएगा। सो तब तक के लिए मुझे इनफ रेस्ट मिला है मतलब नॉट ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं मतलब मैं रेस्ट कर रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी मुझे न्यूज़ शेयर करनी थी और थोड़ा ज़्यादा मैं चबी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली क्योंकि सर्जरी के 20 days to 1 month तक वर्कआउट नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाना खा रही हूँ मतलब भर भर के खा रही हूँ जो मन में आ रहा है सब खा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला जितना खाना है जो खाना है आप खाओ मेडिसिन लो अच्छे से और रेस्ट करो। तो और अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ तो मैं शूट पे जा रही हूँ रोहित के सेट पे जा रही हूँ उसको सरप्राइज़ देने और हाँ आप सबसे मिलूँगी थोड़ा सबसे मिलते हैं तो थोड़ा मूड चेंज होता है तो ऑब्वियसली ओला में जा रही हूँ बिकॉज मेरी गाड़ी भी ऑब्वियसली शादी होने के बाद सब कुछ ले लिया रोहित ने तो सब कुछ उसके पास है। तो अभी पहुँच रही हूँ सेट पे और अभी पहुँच के मैं गाइस मैं सोच रही हूँ एक नई गाड़ी लेने का आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ मुझे ना बिग टायर्स वाली कोई कार चाहिए और जो ना बहुत ही मैनली हो और थोड़ी एक जीप वाली वाइब दे तो आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं कौन सी कार लूँ। मुझे SUV ज़्यादा पसंद है। Came to be with you the whole day. What's your expression? मैं expression किसके दिख रहे हैं ऐसे? बताओ. कैसा लग रहा है मैं सेट पे आई? बहुत अच्छा. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा? किसी और से शादी कर रहे हो? किसी और से शादी कर रहे हो? मेरी लाइफ ही ऐसी है क्या बताएं? गैना से हाय। ए हाय। उर्वशी अभी थोड़ी सी बिजी है। गैना के लेफ्ट में देखना। गैना है ना? गैना के लेफ्ट शोल्डर पे मम्मी है। तो उधर देखना, ठीक है? या ऐसे जनरली इनको सबको देख के आप गैना को भी लाइन बोल सकती हो। क्योंकि सर्जरी हुई थी तो स्लो स्लो वॉक कर रही हूँ रोहित के साथ, स्लो बेबी स्टेप्स। कौन से सेट हैं यहाँ पे बताओ? ये पहले मैडम सर का था, पीछे धड़कन वाला था। We're just having tea and going for a walk around the set. Okay. The most special set. ये मेरे फर्स्ट शो का सेट था, शौर्य और सुहानी का। ये वाला सेट था एंड इधर बना रहा था पूरा का पूरा जंगल। अगर मेरा फुटेज मिली ना, अगर फुटेज मिली तो मैं दिन से रात हो चुके हैं और हवा में बहुत नींद आ रही है बट 18-19 आवर शूट करना है सो आई वांटेड टू गिव हिम कंपनी। आई डोंट गो फॉर 18-19 आवर्स ऑब्वियसली आई डोंट हैव द पेशेंस एंड द स्ट्रेंथ सिंस आई गॉट ऑपरेटेड बट आई वांटेड टू बी विद हिम एंड नो वन वाज एट होम सो स्लो एक्शन लुक गौरव ओके। अपनी बीवी चाहे कितनी भी सुंदर हो गोद में तो दूसरों की बीवी को उठाया जाता है बट नो प्रॉब्लम इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड वी एक्टर्स सो दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे। और बहुत घंटों की शूटिंग के बाद हम जा रहे हैं घर एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी आफ्टर सो मेनी आवर्स ऑफ शूट फाइनली वी आर गोना बोथ स्लीप टुगेदर पीस हैप्पीनेस ब्लिस गोइंग होम एंड गोइंग टू स्लीप सून। Hectic work schedules, what do I say? And we'll see you in my next vlog. Let me know if you want to see a day out at Vanshad set in Gujarat. Let me know.